अगर अच्छा अच्छा लगा तो इससे ही होगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको कर दूंगा मैं रिटर्न। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 11 विकेट्स। 11 विकेट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना स्किल्स यूज करके आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। अगर आपको अपना क्रिकेट का नॉलेज, अगर आप सोचते हो कि आप क्रिकेट में अच्छी खासी नॉलेज है, आप जानते हो कि कौन सा प्लेयर कौन कैसा परफॉर्म कर सकता है, तो इस गेम में आप अच्छी खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। और सबसे मेन बात तो ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है लगाने को तो भी आप इसमें खेल सकते हो। कैसे? तो आपको जाना है ऑफर सेक्शन में। ऑफर सेक्शन में यहाँ पे आप देख रहे हो प्ले फ्री लीग इन एवरी मैच एंड विन कैश डेली। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आना है मैच में। मैं कोई भी आप टीम सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक मैच आ रहा हो सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे बांग्लादेश वर्सेस म्यांमार सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो नीचे की तरफ आओगे तो एंट्री फी है 0 रुपीज़ और वहाँ दे रहा है प्राइज पूल 100 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपने 11 प्लेयर सेलेक्ट कर लेना है और मैच में कर लेना है ज्वाइन। और बिना पैसे लगाए आप पैसे जीत सकते हो। साथ में अगर आपको इसमें पैसे लगाने भी है तो आप उसके लिए भी अलग अलग तरह के ऑफर है जो आप यूज करके आप उससे डबल पैसे ले सकते हो। जितना लगाओगे उससे डबल मिल जाएगा, उससे कहीं ज़्यादा भी मिल सकता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ क्लिक करो और इस गेम को डाउनलोड करो और इन्जॉय करो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिवर्सल गाइड। और जैसे कि साउंड के बारे में कई लोगों ने मुझे बोला था कि आपका साउंड क्वालिटी सही नहीं है, साउंड में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए मैं आज ये ऑर्डर कर दिया हूँ। ये है बोया का माइक, मुझे पड़ा ये 1675 में। चलो इसको करते हैं सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग और निकालते हैं अभी बॉक्स को। तो यहाँ पर ये बॉक्स मिला है मुझे, तो चलो बॉक्स को कर इसको रैपर को हटा देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, चलो इसे करते हैं अभी अनबॉक्स। ये बॉक्स है, इसके अंदर और फिलहाल कुछ है नहीं, एक मैनुअल गाइड है और एक वारंटी कार्ड है। ये रहा हमारा माइक का पूरा इक्विपमेंट। देखेंगे इसका 7 दिन के बाद, 7 या 8 दिन के बाद मैं इसका फिर से फाइनल रिव्यू करूंगा कि ये इतने दिनों बाद कैसा रहा। तो ये यहाँ पे इसका पाउच है जिसमें आप अपना कैरी कर सकते हो माइक को। इसको मैं करता है इस साइड और ये अपना फाइनल माइक जो इसके इसके अंदर होकर आया है। इसके अंदर माइक लगा हुआ है, मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। ये रहा अपना माइक और ये रहा उसका। चलो मैं इसको लगा लेता हूँ और अभी चेक करते हैं इसका माइक टेस्ट, टेस्ट करते हैं कि इसका कैसा आता है। तो चलो फटाफट मैं इसको सेट कर देता हूँ पहले। चलो DSLR के लिए, पर DSLR तो है नहीं मेरे पास, मोबाइल है। तो मैं इसे बस इसको इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको पकड़ के सेट कर पाऊँ, यहाँ पे रख पाऊँ मैं अच्छे से। तो चलो चलते फिर मैं मोबाइल पर लगा देता हूँ। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं माइक में बोल रहा हूँ। तो अभी बताओ आपको मेरा साउंड क्वालिटी कैसा लगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ बोया के माइक में, और बोया के माइक में बोलने के बाद अभी देखता हूँ मेरा साउंड क्वालिटी कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि साउंड क्वालिटी उतना अच्छा होगा काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं ऑफिस में हूँ। जब मैं घर पे जाऊँगा तब पता जाके पता चलेगा कि उस समय बैकग्राउंड नॉइज़ ये कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ये जो अभी आप मेरा आवाज़ सुन रहे हो ये है बोया के माइक में, तो मैं बोया के माइक में बोल रहा हूँ। और अभी मुझे बताओ कि इसका जो साउंड क्वालिटी है वो कैसा है, नीचे कमेंट में बताओ। अब बताओ कि इसका कैसा आ रहा है, मैं भी घर जाके जब इसको एडिट करूँगा, जब एडिट पार्ट होगा तब जाके मैं देखूँगा, और उसके बीच में भी मैं थोड़ी सी आपको बता दूँगा। तो अगर अच्छा लगा तो इससे ही होगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो इसको कर दूँगा मैं रिटर्न। तो देखते हैं कुछ दिन यूज करके। तो मिलते हैं कुछ दिनों के बाद इस माइक के साथ, 7 या 8 दिनों के बाद देखेंगे कि ये माइक कैसा परफॉर्म किया, क्या क्या प्रॉब्लम आई इसमें, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा, और क्यों आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।